Hello student, welcome to the first lecture of group number 14, that is carbon family. We are in the chapter of P block elements. We have already completed your boron family, that is group number 13. In group number 13, I think we have taken 7 lectures. For each and every part we have completed. Now in this lecture we are going to start with carbon family. Carbon family as such jada bada nahi hai, but isme bahut important silicates hai, uske hame allotropes of carbon, wo hum log 10th standard mein bhi pad chuke hain. उसके बाद में हम लोग को कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के बारे में भी बात करनी है. बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए सिलिकेट्स जो है वो जो मैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी कवर कराता हूँ, यहाँ पे भी एक एक चीज बताऊंगा. उसके बाद में सिलिकॉन्स के बारे में भी बात करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सबके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 14, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन फैमिली. सो लेट अस स्टार्ट. इफ यू स्टार्ट विद introduction part is already done, so we'll directly start group 14. It is your carbon family. The first member of the family is carbon, so therefore it is also known as a carbon family. Now if I talk about the first point, the elements present are carbon C, that is carbon. Second element is Si, that is silicon. Third element is Ge, that is germanium. Sn is tin and Pb is lead. The last element is Fl, which is also known as फ्लेरोवियम. ठीक है, ये जो एलिमेंट है लास्ट वाला वो क्या है बच्चों, मैनमेड है एंड इट इज रेडियो एक्टिव. इट्स अ सिंथेटिक एलिमेंट दैट इज मैनमेड एंड इट इज हाईली रेडियो एक्टिव. इसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप, प्रिडिक्टेड मोस्ट स्टेबल आइसोटोप इज फ्लेवोरियम 289, जिसका हाफ लाइफ जो है इट इज ओनली 1.9 सेकेंड्स. हाफ लाइफ ऑफ ओनली 1.9 सेकेंड्स. सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 14, दैट इज कार्बन फैमिली. कार्बन फैमिली के अंदर टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है. सी स्टैंड फॉर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लोरोवियम. फ्लोरोवियम इज अ मैनमेड और अ सिंथेटिक एलिमेंट, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट. और इसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, जैसे हमने निहोनियम में पढ़ा था 286 था, वैसे यहाँ पे बच्चों कौन सा है, 289 है एंड इसका हाफ लाइफ इज ओनली 1.9 सेकेंड्स. बहुत सारे स्टेबल आइसोटोप्स के बारे में अनकन्फर्म्ड है, जैसे इसका एक और है 290, उसका 19 सेकेंड्स है बट वो अभी तक अनकन्फर्म्ड है, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे. ठीक है, बट आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ इसका नाम जरूर याद रखें कि इस फैमिली में ये भी एक एलिमेंट है, बिकॉज इसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन दिया, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, ऑकरेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो कार्बन आप सबको पता है, हम लोग सबसे ज्यादा तो बात सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बारे में करेंगे, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में और भी दूंगा. इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन जो है वो आपको फ्री स्टेट में भी मिलता है एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. ये दोनों स्टेट में आपको मिलता है, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट तो सबको पता ही होगा, कोल है, चारकोल है, उसके बाद में डायमंड है, ग्रेफाइट है. ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में भी हमको पता है, जैसे हमारे पास में CO2 है, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन है, जो डीजल पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर, हाइड्रोकार्बन है वो भी है. उसके बाद में आप बात करोगे कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स होते हैं, बाई कार्बोनेट्स होते हैं, उन सब में भी क्या होता है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ऑल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट की बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज फाउंड इन SiO2, जो हम लोग ने बहुत बार मेटलर्जी में यूज किया है एज अ फ्लक्स. ठीक है, उसके बाद में इट इज ऑल्सो फाउंड इन फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स, जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सिलिकेट्स में आपको साइक्लिक है, पायरोसिलिकेट्स है, क्या होता है वो पूरा एक लेक्चर ही लेने वाला हूँ सिलिकेट्स के ऊपर. तो ये नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी कवर हो जाता है, वहां पे भी मैं बहुत डिटेल में सिखाता हूँ. पी ब्लॉक एलिमेंट में भी बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, दोनों जगह पे सेम ही होगा. तो
अगर आपने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में अटेंड किया तो आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने वहां पे नहीं देखा तो ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बट मेरे लिए तो ये दोनों बार उसी लेवल से सिखाऊंगा क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ रिविजन भी हो जाता है बच्चों के लिए। जर्मेनियम की बात करें, इट इज फाउंड इन ट्रेसेस और इट कैन से इट इज अ रेयर एलिमेंट। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें टिन की, तो टिन का बेटा हम लोग ने पढ़ा था SnO2, टिन स्टोन, याद है मेटलर्जी में पढ़ा था, ये इसका ओर है। उसके बाद में पीबी की बात करें, पीबी जो है बच्चों, पीबीएस मतलब सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलता है जिसको हम लोग गलेना बोलते हैं। हम लोग बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड की बात करेंगे, बट ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। मैंने आपको PbSO4 के बारे में सिखाया था, ये भी एक ओर है जिसका नाम क्या है, एंग्लेसाइट, ये मेटलर्जी में सिखाया था। और उसके बाद में PbCO3, कार्बोनिक मिनरल ऑफ पीबी, इसका नाम क्या है, सेरुसाइट। ये हम ऑलरेडी बच्चों कहाँ पढ़ चुके हैं, मेटलर्जी चैप्टर में। सो दिस इज बेसिकली अबाउट व्हाट, ऑकरेंस की बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 14 इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो सबको पता है, इट इज NH2NP2, NH2NP2, करेक्ट। ये जैसे ग्रुप नंबर 13 का क्या था, NH2NP1 था, इसका ग्रुप नंबर 14 का NH2NP2 है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद में टिन एंड लेड, और लास्ट में आते हैं रोमियम, ठीक है। तो इनके एटॉमिक नंबर्स हमको याद होने चाहिए, जैसे बोरॉन का कितना था याद है सबको, बोरॉन, बाल, गंगाधर, इन, तिलक, करेक्ट, याद है सबको। और यहाँ पे क्या था, निगोनियम था, चलो बताओ इसका कितना था, 5, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 13 था तो डेफिनेटली ये कितना है, 14 हो जाएगा, या फिर आप ऐड करके भी निकाल सकते हो। ये 31 था तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये कितना था, 31, और इसमें हम लोग ने कितना ऐड किया था, 18 ऐड किया था, 49 था, तो ये डेफिनेटली 50 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, इसमें 8 ऐड किया 40, इसमें हम लोग ने कितना ऐड किया, 18 ऐड किया तो 32, इसमें 18 ऐड किया तो कितना हो गया, 50 हो गया। अभी इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये कितना था हमारा, ये 81 था, तो ये डेफिनेटली 80 कितना हो जाएगा, 2, इसमें देखो 32 ऐड किया, फिर वापस 32 ऐड करो। निगोनियम का हमारा 113 था, कॉपर निशियम के जस्ट बाहर बाहर आता है, तो ये 100 कितना हो जाएगा, 14, इसमें देखो 32 ऐड करो, सेम ही आ रहा है। तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो यहाँ पे सबसे पहले जो नोबल गैस आएगी वो हो जाएगी हीलियम, फिर यहाँ पे हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड लास्ट में आएगा यहाँ पे रेडॉन, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इफ यू टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दिस नोबल गैसेस, दिस इज 2, दिस इज 10, ये हो जाएगा 18, 36, ये 54, और ये कितना है स्टूडेंट्स, 86 है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कैसे इसको लिखा जाता है। दिस बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड, तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, सो इट इज 2H2 2P2, सो ऐड करो, 2 + 2 4 + 2 6 हो गया, 6 बच्चों हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड पीरियड की बात करें तो 3H2 3P2 10 + 2 12 + 2 14, देखो 14 आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4H2, यहाँ पे 4P2 हो जाएगा। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 2 22 हो रहा है, बट यहाँ पे 32 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी आ गया हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 3D क्या हो जाएगा, वन टाइम इनर 3D क्या हो जाएगा, 10। अगर यहाँ पे 3D 10 है तो डेफिनेटली यहाँ पे 4D 10 होना चाहिए, यहाँ पे 5S2 हो जाएगा, यहाँ पे 5P2 हो जाएगा। ऐड करो, 36 + 10 46 + 4, 46 + 4 इज 50, कैसे 46 + 4, ये 2 + 2 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद में अगर हम लोग लेड की बात करें तो यहाँ पे अगर 4D है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5D आना चाहिए, 5D हो जाएगा, यहाँ पे 6S2 हो जाएगा और यहाँ पे 6P2 हो जाएगा। ऐड करो, 54 + 10 64, 64 + 4 68, बट ये तो देखो ना यहाँ पे 14 का डिफरेंस आ रहा है, 68 में आप 14 ऐड करोगे तो 82 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वन टाइम इनर, वन मोर टाइम इनर, सो इसके रिगार्डिंग देखेंगे तो टू टाइम्स इनर, देखो 6 से 2 टाइम्स इनर, बट डी से वन टाइम इनर, तो ये हो गया 4F14। अगर यहाँ पे 4F14 है तो डेफिनेटली यहाँ पे 5F14 होना चाहिए, तो ये 5F14 हो जाएगा, तो डेफिनेटली दिस विल बी 6D10 स्टूडेंट्स। 6D10 के बाद क्या आएगा, 7H2 आएगा और यहाँ पे 7P2 हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ
ग्रुप नंबर डैश 14 एलिमेंट सॉरी। सो बेसिकली एक फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो बेसिक इंट्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फ्लेरोबियम के बारे में मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया बिकॉज हम लोग इसके अलावा इसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे इस पूरे ग्रुप में, ये बस आखिरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में था बिकॉज ये हाईली, ये अभी जब इसका हाफ लाइफ देखो ना 1.9 सेकेंड है बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, इस वजह से बेटा हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। ऑकरेंस में भी हम लोग को खाली फर्स्ट और सेकेंड ही याद रखना है, बट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए क्योंकि हमारा कंटेंट बार बार रिवाइज हो रहा है, अगर हम लोग देखें तो मेटलर्जी में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है तो वापस एक बार रिविजन हो गया बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है NH2NP2, तो हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमने लिख दिया। तो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 14, एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए आपको बताया जा सकता है कि व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 14, ठीक है ना, वो है फ्लेरोबियम, ठीक है ना, एटलीस्ट इसके बारे में आपका नाम जरूर पूछ सकते हैं बिकॉज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नाम दिया हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा बट एटलीस्ट नाम जरूर याद रखिए स्टूडेंट्स। ऑकरेंस के बारे में ज्यादा क्वेश्चन जनरली बनते नहीं है बट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑकरेंस ऑफ ग्रुप नंबर 14, बट इन केस अगर समझो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंग्लेसाइट तो PbSO4, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सल्फेट मिनरल ऑफ Pb, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ये एक्सट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा एज इट इज पूछ सकते हैं, एंट्रेंस वालों के लिए क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पीवी पूछ सकते हैं, फ्लेरोबियम जो है वो पूछ सकते हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको उसमें से सिर्फ टिक करना है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर के अंदर जनरली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा नहीं है, तो हम लोग इसी लेक्चर के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कवर करेंगे। सो इसके बाद में एक बोर्ड प्रेजेंटेशन आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का दूंगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग इसका एक बार फोटो ले लो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर सॉरी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। If we talk about metallic and non-metallic character students, then the first element carbon is a non-metal. तो उसके बाद में second element जो silicon है, ठीक है, वो भी एक non-metal ही है। बहुत सारे books में इसके बारे में metalloids के भी बारे में दिया हुआ है, but आप जो NCERT के हिसाब से चलेंगे, even जो best book जो JDE मैं मानता हूँ inorganic के लिए, उसके अंदर भी silicon क्यों है? अंदर बहुत सारे केमिकल अगर प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बुक्स में इवन जो महाराष्ट्र बुक्स जो दिया है उसमें भी मेटालॉइड दिया है, बट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये नॉन मेटालिक ही है, तो हम लोग इसको नॉन मेटल ही ट्रीट करके चल रहे हैं। उसके बाद में आते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम इज अ मेटालॉइड, जर्मेनियम इज मेटालॉइड एंड टिन एंड जो लेड है दे आर डिस्टिंक्टली मेटल्स, ये दोनों क्या है मेटल्स ही, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ व्हाट ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, ठीक है, एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। नंबर टू अगर हम लोग बात करें एटॉमिक साइज के बारे में, तो एटॉमिक साइज जनरली डाउन द ग्रुप क्या होता है इंक्रीज होता है, सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक size increases, atomic size जो होती है down the group increase होती है, और इसका जो general trend होना चाहिए carbon से बड़ा silicon, germanium, tin and lead, fluorovium के बारे में तो हम लोग बात करेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो previous group में group number 13 में यहाँ पे problem हुई थी right? बिकॉज वहां पे d orbital का contraction हुआ, d orbital की वजह से poor shielding effect हुआ था और उस वजह से contraction हो गया था, और 135 और 143 मैंने लिखवाया भी था राइट। तो यहाँ पे भी नो डाउट यहाँ पे जो इंक्रीज होता है यहाँ पे और एक्सेप्शन तो नहीं है, मतलब जर्मेनियम जो है वो सिलिकॉन से बड़ा ही है, छोटा नहीं है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस इन एटॉमिक साइज आता है वो बहुत ही कम होता है, जैसे इसका 118 पिकोमीटर, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप ये वैल्यू याद रखो, इवन एग्जाम में भी वैल्यूज पूछी नहीं जाएगी, बट मैं आपको तो भी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ये होता है 122 पिकोमीटर। सो देखो यहाँ पे जो इंक्रीज है वो बहुत ही छोटा है, so basically the increase in size
from सिलिकॉन टू जर्मेनियम इज वेरी लो, या फिर एक्सेप्शन मतलब बोलते ना जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट जो कितना कर रहे थे उससे क्या है कम है. सो इट इज वेरी लो. रीजन आप बोल सकते हो, रीजन के तौर पे रीजन इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय डी ऑर्बिटल और डी सबशेल इन जर्मेनियम. जर्मेनियम के केस में जो डी ऑर्बिटल है उससे कौन सा शील्डिंग इफेक्ट दिया है, पी सॉरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिया. इस वजह से जो इंक्रीज तो होता है डेफिनेटली इंक्रीज, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि इससे कम है जैसे गैलियम और बोरॉन सॉरी गैलियम और एल्यूमिनियम में हुआ था, बट यहाँ पे ऐसा है कि जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें डेंसिटी के बारे में, सो डेंसिटी ऑफ ग्रुप नंबर 14, इसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप नंबर 14 के वो इतने ज्यादा नहीं है जितना हमने ग्रुप नंबर 13 में पढ़ा है, तो ये जल्दी से वाइंड अप हो सकता है. ठीक है, अगर हम लोग जनरली बात करें ना डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होता है, तो सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम फिर टिन और लेड. बट बच्चों याद रखना डायमंड का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कार्बन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डैश डायमंड, उसका डेंसिटी जनरली क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन बाद में तो ये लेस देन ही होता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी. इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यहाँ पे जनरली डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना चाहिए. तो अगर हम लोग बात करें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड की, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी याद कराया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये 4 था, पॉलिंग स्केल था, ठीक है ना, मुलिकन स्केल है, पॉलिंग स्केल है, मैंने पीरियोडिक टेबल में तीनों स्केल सिखाया था, ऑर्बिट स्केल भी सिखाया था, तो यहाँ पे पॉलिंग स्केल के हिसाब से ये 4 है, ये 3.5 है, ये 3 है, तो ये 2.5 है, तो ये 2.5 हो गया, करेक्ट. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है, जब मैंने आपको बोरॉन के साथ में सिलिकॉन की सिमिलरिटीज बताई थी तब मैंने बोला था इसका कितना है 1.8 है और बोरॉन का 2 था, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इसका भी बच्चों 1.8 है, इसका भी 1.8 है और इसका 1.9 है. सो बेसिकली ये वाला इससे ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों का इन तीनों का ऑलमोस्ट क्या है सेम ही है, और ये वाला इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है और इसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय डी ऑर्बिटल. एंड यहाँ पे रीजन अगर आप पूछ लो कि थोड़ा सा क्यों बढ़ रहा है, तो इसका रीजन हम लोग बोल सकते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो बेसिकली यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत सारे टीचर्स इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू, वो भी सही है बिकॉज ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का पॉइंट आ गया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीजेस, करेक्ट. अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और जो सिलिकॉन है वो तो जनरली प्लस वाले कटायंस कभी फॉर्म नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी सम ऑफ 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी वेरी हाई. अगर हम लोग बात करें कार्बन का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, इज ग्रेटर देन टिन, बट यहाँ पे थोड़ा सा पीबी के केस में याद रखना उल्टा हो जाता है, और इसका रीजन क्या है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो Pb का आयनाइजेशन एंथैल्पी Sn से थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसका रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो ये जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, उसके बाद में IVE है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, शील्डिंग इफेक्ट है, ये चीजें बच्चों बार बार आने वाली है. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर याद रखिएगा. मैं एज सच बोलूंगा तो ग्रुप नंबर 14 की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की इतना ज्यादा हाई रेटिंग्स नहीं देंगे बिकॉज ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग एक एक चीज कवर कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट द डैश प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज. ना इसके नेक्स्ट बारे में बोर्ड पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. एक बार इसका फोटो ले लो आप लोग. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग
फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा रिएक्टिविटी के बारे में भी बात कर लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो इफ यू राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, इट इज NH2 NP2। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट्स? दो तो यहाँ से और दो यहाँ से, सेम शेल के तो वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटल यहाँ पे +4 हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कार्बन के बारे में एंड सिलिकॉन के बारे में, दे कैन शो +4 ऑक्सीडेशन, शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्पेशली अगर हम लोग कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन कैन शो -4 एज वेल एज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन इट इज +4। मतलब +4 के आगे कार्बन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता, बिकॉज इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो स्पेशली कार्बन का याद रखना, इट कैन शो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लोअर एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम टिन एंड लेड, तो ये लोग +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। डाउन द ग्रुप जनरली जो है वो +2 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने आपको बोला था ना, चीजें सब इंटरकनेक्टेड है, हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बार पढ़ा, बार बार वही रिपीट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो जर्मेनियम से ज्यादा किसकी होगी? टिन की, और टिन से भी ज्यादा किसकी होगी? पीबी की। तो इसका रीजन अगर आपको कभी पूछ ले तो इसका रीजन है बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में पूरे लेक्चर्स में और आगे फ्यूचर लेक्चर्स में आईपीई लिखेंगे। ठीक है ना, तो आईपीई इज द शॉर्ट टर्म फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो चुका है। अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होगा वो होगा जर्मेनियम ग्रेटर देन SN ग्रेटर देन PB, करेक्ट। सो बेसिकली वी कैन से डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +2 इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीजेस। तो +4 जो है, PB जो है वो +4 में कम स्टेबल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कम स्टेबल। क्यों? क्योंकि वो PB +4 जो है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? PB +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। सो PB +4 वुड लाइक टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू PB 2+ बाय गेन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट ये मैं आपको हाइलाइट्स में डिटेल में समझाने वाला हूँ आगे अभी के लेक्चर में, तो हम लोग इधर यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में दे कैन शो प्लस एंड प्लस टू एंड प्लस फोर। लोअर पार्ट्स की बात करें, जनरली अपर वाले कार्बन जो है, कार्बन कैन शो -4 से लगा के +2 +4 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, कार्बन भी +2 भी शो कर सकता है। तो आगे हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करने वाले। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना बच्चों यहाँ पे द स्टेबिलिटी ऑफ +2 इन केस ऑफ PB2+ इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में इनका क्या रिएक्शन होता है? तो बेसिकली दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक जो ऑक्साइड होता है वो होता है मोनोऑक्साइड, जो बनता है M+ ½ O2 से, MO, ये मोनोऑक्साइड हो गया। और अगर हम लोग बात करें M+ O2 की, तो ये एक डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। इसमें जो M होता है वो कोई भी मेटल हो सकता है, या कोई भी एलिमेंट, अदर मेटल नहीं, कोई भी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 14 हो सकता है। यहाँ पे वो +2 में हो जाएगा और यहाँ पे वो +4 में हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें +2 वाले की, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? CO हो जाएगा। CO के बाद SiO, SiO के बाद GeO, GeO नहीं GeO, ठीक है ना, फिर SNO, फिर आ जाएगा आपका कौन सा? PbO, करेक्ट। तो इसमें ये सब जितने भी है, सब के सब कौन से वाले? ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, जब मैंने आपको NOC भी सिखाया था तो यहाँ पे वहां पे बताया था कि ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। कौन सा? CO, CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तीन एलिमेंट बताया था, NO, N2O एंड CO, नो नो टू CO2, ठीक है, NO, N2O एंड CO2, CO सॉरी। ये वाला जो है दिस इज हाईली अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल
and it exists only at high temperature. Very very important MCQ question, already entrance exam mein pucha gaya, exists only at high temperature, only at high temperature. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग बात करें जीईओ की, तो इट इज एन एसिडिक, ये कौन से टाइप का है, एसिडिक है. और ये जो लास्ट वाले दो है वो है बच्चों आपके एम्फोटेरिक. ठीक है ना, तो ये हो गया प्लस टू के बारे में. क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो प्लस टू का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है और प्लस फोर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. तो ये प्लस टू वाले ऑक्साइड हो गए बच्चों. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऐसा ही हो याद रखना. अगर हम लोग बात करें डाइऑक्साइड की, ये तो मोनोऑक्साइड है, ये आपके मोनोऑक्साइड्स है और ये डाइऑक्साइड है. ठीक है, कार्बन का तो मोनोऑक्साइड का भी प्रिपरेशन एंड डाइऑक्साइड का भी प्रिपरेशन हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, अगर हम लोग बात करें CO2 की, CO2 SiO2 की बात करें उसके बाद में GeO2, उसके बाद में SnO2 एंड PbO2. ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे ये जो ऑक्साइड्स डाइऑक्साइड्स हैं इसमें ये जो तीनों हैं, ये तीनों बच्चों कौन से हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और ये दोनों जो है वो एम्फोटेरिक है. अगर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मेरा ट्रिक याद है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जनाबे आली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग. तो ये हो गया रिएक्शन विद व्हाट, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, और उनका क्या क्या नेचर है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया. सो दिस इज द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी हम लोग हैलाइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. हैलाइड्स में दो टाइप के हैलाइड्स बनते हैं, एक होता है डाई हैलाइड्स एंड एक होता है टेट्रा हैलाइड्स. मैं यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, फिर आगे बोर्ड पे कंटिन्यू करेंगे. रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन. इफ यू टॉक अबाउट हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, तो इसमें दो टाइप के हैलाइड्स बन सकते हैं. एक तो एम प्लस एक्स टू गिव्स एम एक्स टू, जिसमें ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और एक होगा एम प्लस 2x2 gives mx4 जो कि plus 4 oxidation state में होगा. तो इसको आप बोलोगे dihalide और यहाँ पे इसको क्या बोलोगे tetrahalides. तो इनके बारे में हम लोग अभी discussion करेंगे detail में, किसका क्या stability होता है ये हम लोग detail में अभी discuss करेंगे. तो आप लोग इसका एक photo ले लो फिर आगे बढ़ते हैं. Now students, if we talk about the stability of halides, this is very important. ध्यान से सुनिएगा. स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और सिलिकॉन तो जनरली डायहैलाइड्स बनाएंगे नहीं. ठीक है, जर्मेनियम से ही होता है बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप ही देखने को मिलता है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड्स दैट इज एम एक्स टू, इसका जो ऑर्डर होगा वो जे जर्मेनियम से स्टार्ट होगा, जीई एक्स टू से ज्यादा स्टेबल, एस एन एक्स टू से ज्यादा स्टेबल, PbX2. So PbX2 जो है वो highly stable है because of inert pair effect. So reason for this is going to be IPE. अभी मैं बार-बार पूरा नहीं लिखूंगा. It is IPE stands for inert pair effect. Now if we talk about stability of tetrahalides, stability of tetrahalides, then we can talk about stability of tetrahalides में MX4 will be in case of these only, GeX4 will be most stable among these three, SnX4 and PbX4. Correct? This is very very important. In case of carbon, carbon जो है उसके जो tetrahalides होते हैं, tetrahalides they are sp3 hybridized. All the tetrahalides will be sp3 hybridized and they have tetrahedral shape. The bond angle is going to be same, 109 degrees 28 minutes. Bond angle is 109 degrees 28 minutes. Say for example, if I talk about CCl4, carbon tetrachloride is a good solvent. Carbon tetrachloride, it's a good solvent. If you talk about carbon, carbon forms how many bonds? 4 bonds. So it will have a tetrahedral shape with a bond angle of 109 degrees 28 minutes. So this is the basic structure of carbon in the form of 4 bonds. This is tetrahedral structure, three-dimensional tetrahedral structure.
नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट टेट्राहैलाइड्स, इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको थोड़े क्वेश्चन से डिस्कस करके बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है PbI4, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आया था मैं वही लिख रहा हूँ बुक में से। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन आया था। क्यों, वाई डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रीजन क्या है? अगर आप PbI2 नहीं, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन बच्चों मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान देना। अगर आप PbI4 की बात करें तो ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, बिकॉज इसमें Pb जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Pb का +4 ऑक्सीडेशन विल बी लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट वेयर इफेक्ट। तो ये कंपाउंड जो है इमीडिएटली ब्रेक होके बनाता है PbI2+I2। अभी अगर आपको इसका डिटेल समझना है मैकेनिज्म कि ये हुई कैसे रिएक्शन, तो मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। PbI4 में Pb+4 है और यहाँ पे हमारे पास में 4 I- है। आउट ऑफ 4 I- स्टूडेंट्स, 2 I- एंड 2 I-, यू कैन राइट दिस वे। सो 2 I- विल फॉर्म I2 बाय लॉस ऑफ कॉमन इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन गेन करेगा, Pb+4 गेन करेगा। और अगर वो Pb+4 गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, Pb2+ बन जाएगा, एंड दिस Pb2+ विल कंबाइन विद 2 I- टू फॉर्म PbI2। सो बेसिकली दिस Pb फ्रॉम +4 चेंजेस टू +2, व्हिच इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो दिस रिएक्शन वी कैन कॉल इट एज, अगर यहाँ पे आयोडीन की बात करें, सो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज, आयोडीन यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 हो गया, Pb यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +2 हो गया। सो इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज एक ही कंपाउंड के अंदर के ही एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में आता है। PbI4 जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनकेस अगर आपने किसी भी मेथड से इसको फॉर्म भी कर लिया तो बहुत जल्दी वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, PbI2 में +I2 बना देगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन जो हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर क्वेश्चन आई राइट ऑन द बोर्ड, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ PbO2 विद HCl, राइट द रिएक्शन ऑफ PbO2 विद HCl, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। सो इसमें एज सच तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे PbO2 का रिएक्शन जो है HCl के साथ क्या होगा वो पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो यू कैन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बच्चों। यहाँ पे HCl के साथ अगर इसका रिएक्शन होगा तो Pb यहाँ पे पहली बात तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4, तो यहीं पे से हमको एक बेटा दिमाग में घंटी बज रही है कि Pb जो +4 है वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Pb2+ में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली फ्रॉम Cl-, कैन यू राइट HCl एज H+ एंड Cl-, यस। तो यहाँ पे अगर मैं 4 HCl लेता हूँ, ध्यान से सुनना जरा, तो आई हैव 4H+, ठीक है, एंड 4Cl-, आउट ऑफ 4Cl-, अगेन आई ब्रेक सेम एज योर आयोडीन वाला पार्ट, जैसे हमने आयोडीन को ब्रेक किया था वैसे, 2Cl- एंड 2Cl-, दिस 2Cl- विल लूज 1-1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड विल फॉर्म Cl2 बाय लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन गेन करेगा, Pb+4 गेन करेगा, एंड इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू Pb2+, व्हिच इज मच मोर स्टेबल देन Pb+4। नाउ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड वो देखो जरा, Pb2+ जो है वो ये 2Cl- के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, PbCl2 बना देगा बच्चों, ठीक है। PbCl2 के साथ में और कौन सा गैस फॉर्म हो गया, Cl2 गैस फॉर्म हो गया। यहाँ पे कितने H+ बच गए, 4H+ बच गए, हमारे पास कितने ऑक्साइड आयन्स है, 2 है। सो 4H+ एंड 2 ऑक्साइड मिलके क्या बना देंगे, 2H+, हो गया। सो दिस इज द वे द रिएक्शंस आर रिटन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली आप लोग क्या करते हो, रिएक्शंस को रट्टा करते हो, रिएक्शंस को लर्न करते हो, फिर थोड़े टाइम के बाद आप भूल जाते हो, बिकॉज हर एक रिएक्शन के पीछे लॉजिक है। जब मैं आपको ऑर्गेनिक सिखाता हूँ आपको हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज हर एक चीज का रीजन है। इनऑर्गेनिक भी अगर आप रीजन के साथ पढ़ोगे, भले थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा स्टूडेंट, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से बेटा अगर हम लोग हर रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में समझे, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग अपने साइड से भी रिसर्च करें, हमेशा टीचर्स के ऊपर डिपेंड न रहे क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या रीजन हो सकता है, तो आप ऑटोमेटिकली चीजों में
और इंटरेस्ट डेवलप करोगे और आपको चीजें और अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ MnO2 एंड HCl। ये सेम कंसेप्ट वापस फॉलो होगा, यहाँ पे जो Mn प्लस हो रहा है वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा MnCl2। ये भी बहुत ही फेमस रिएक्शन है, तो सेम ट्रैक पे चल रही है। इसके लिए अभी आप बोलोगे Mn का तो इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, फिर भी सेम ट्रैक पे है, इसलिए मैं आपको साथ में सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है और सिंपल कंसेप्ट कनेक्टेड है, इसलिए मैं साथ में बता रहा हूँ। तो अगर आप बोलोगे तो ये जो है बच्चों, वो मैंने आपको क्या बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया। तो बेसिकली बच्चों अगर हम लोग बात करें तो हैलाइड्स के बारे में, ये टाइप के क्वेश्चन जनरली एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो डोंट रीड सिंपली कि ये प्रॉपर्टीज ये ऐसा ऐसा होता नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं मैं आपको बाद में PDF के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, बट आपको उसमें से 90-95% क्वेश्चन तो सीधा टिक करने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे राम सर सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं और आपको आंसर आ रहे हैं। हाँ, 5-6% जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको थोड़ा सा नोट्स वापस रिफर करना पड़ सकता है, बट आपको क्वेश्चन हर एक आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो स्टूडेंट्स, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया। रिएक्शन विद वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वो मैं लिख लेता हूँ, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रिएक्शन विद वाटर में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगर हम लोग टिन की बात करें, टिन के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, पीबी के अंदर भी पीबी ऑक्साइड का जो एक लेयर बन जाता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बाकी एज सच इसमें अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। सो द फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। कार्बन और सिलिकॉन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स कौन है, पर उसके पहले हम लोग अलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में एनामलस बिहेवियर भी है। कार्बन के दो कंपाउंड ही है हमारे सिलेबस में, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स क्या होते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट, दैट इज लेक्चर नंबर 2, विद द एनामलस बिहेवियर ऑफ कार्बन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।